नमस्कार दोस्तों, बोल बरेली में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो शेयर करें। आज का हम वीडियो केंद्रित होगा राशिवन वाटिका के बारे में। राशिवन वाटिका जो कि बरेली के अलकनाथ मंदिर में स्थित नई बनाई गई है BD के अप्रूव द्वारा। जैसा कि आप जानते हैं कि 12 राशियाँ होती हैं, हर राशि के ग्रह स्वामी होते हैं और उसका राशि तत्व होता है और लाभदायक पौधा होता है। इन्हीं सभी 12 राशियों को मिलकर यहाँ पर इसका दर्शन कराया गया है। जैसे कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, मेष राशि का ग्रह स्वामी होता है मंगल, राशि तत्व अग्नि और लाभदायक पौधा आम या आंवला। वृषभ राशि का ग्रह स्वामी शुक्र, राशि तत्व पृथ्वी, लाभदायक पौधा जो होता है अशोक या जामुन। मिथुन का ग्रह स्वामी होता है बुध, राशि तत्व होता है वायु और लाभदायक पौधा होता है बांस या बरगद। कर्क का राशि ग्रह स्वामी होता है चंद्र, राशि तत्व होता है जल, लाभदायक पौधा होता है आंवला। सिंह का ग्रह स्वामी सूर्य, राशि तत्व अग्नि, लाभदायक पौधा होता है जामुन या बरगद। कन्या राशि के लिए ग्रह स्वामी बुध, राशि तत्व पृथ्वी, लाभदायक पौधा अमरूद या बेल। तुला राशि के ग्रह स्वामी शुक्र, राशि तत्व वायु और लाभदायक पौधा अर्जुन या चीकू। वृश्चिक के लिए ग्रह स्वामी मंगल, राशि तत्व जल, लाभदायक पौधा खैर या नीम। धनु के लिए ग्रह स्वामी बृहस्पति, राशि तत्व अग्नि, लाभदायक पौधा कदंब। मकर के लिए ग्रह स्वामी शनि, राशि तत्व पृथ्वी और लाभदायक पौधा कटहल। कुंभ के लिए ग्रह स्वामी शनि, राशि तत्व वायु, लाभदायक पौधा शमी या आम। मीन के लिए ग्रह स्वामी बृहस्पति, राशि तत्व जल और लाभदायक पौधा नीम। जैसे कि मैंने 12 राशियाँ बताई, उनके ग्रह स्वामी बताए और राशि तत्व बताए, साथ ही साथ पौधे बताए। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, आपको बहुत सारे सिंबल दिखाई दे रहे होंगे बने हुए, वो राशियों के सिंबल हैं। साथ ही साथ पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, तो वो उस राशियों के पेड़ हैं। तो ये सब राशियाँ और उनके पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सब राशि और पेड़ मिलके यहाँ पे इन्होंने राशिवन वाटिका का निर्माण कराया है और VDA ने इसे अप्रूव करवाया है। अलकनाथ मंदिर, इसकी स्थापना अलकिया बाबा ने की थी और उन्हीं के सहयोग से यहाँ पे ये राशियाँ बनाई गई हैं। तो अभी आप देखिए, तो आपको वीडियो में दिखाई भी दे रहे होंगे बहुत सारी राशियाँ और उसके राशिवन तत्व। तो ये जब आप अलकनाथ मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के बराबर से ही एक रास्ता गया है अंदर की तरफ, जहाँ खेती वगैरह होती है अलकनाथ मंदिर की, तो वहीं पर यह राशिवन वाटिका बनाई गई है। मेरा आपसे निवेदन है, आप यहाँ पहुँचें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब कराएँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचेगी बरेली में राशिवन वाटिका बनी हुई है। आगे भी मैं आपको ऐसी जानकारी देता रहूँगा, बने तैयार मेरे साथ बोल रही है।